स्टूडेंट्स फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। हमने क्या करना है, 3/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेंज करने में हमने दो तरीके पढ़े थे। पहला मेथड था कि हम सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। दूसरा वाला क्या था, डिविजन वाला था। बट यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3/5 गिवन है और हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, 20। तो जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जस्ट राइट इन योर नोटबुक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5। अब 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिले, सो वी हैव 4, वी नो 5 × 4 = 20। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि 5 को किस नंबर से हमने डिविजन मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 20 मिले। सो 3 × 4 = 12 एंड 5 × 4 = 20। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी, उसने कहा है न्यूमरेटर 9, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, यू नीड टू राइट दिस लाइन ऑल्सो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। क्या बोले उसने कि न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तब देखो 3 हमारे पास है तो कितना ही और चाहिए हमें, 3 से अगर मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं देन वी विल गेट 9 इन न्यूमरेटर। बट याद क्या रखना है कि जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। सो यहां से जो मिलेगा 3 × 3 = 9 एंड 5 × 3 = 15। नाउ पार्ट सी, अभी क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 30, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। बेटो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आफ्टर दैट आई रिपीट इट वंस अगेन, ओके जस्ट वेट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अब देखो बच्चे यहाँ पे 3/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है कितना, कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो हमारे पास 5 है तो 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 30 में चेंज हो जाए। सो वी हैव 3/5 × 6, सो वी विल गेट फ्रॉम हेयर 3 × 6 = 18 एंड 5 × 6 = 30। ओके नाउ वी नीड न्यूमरेटर एज 27, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 कैसा चाहिए कि हमें 27 मिलना चाहिए न्यूमरेटर में। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 9 से, ठीक है। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 9 इन न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई बाय 9 बाय डिनोमिनेटर, सो 3 × 9 = 27 एंड 5 × 9 = 45। सो दीज 4 आर कैन बी कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 36/48। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं किसके, 36/48 के, बट कंडीशन इज न्यूमरेटर शुड बी 9। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जस्ट राइट इन योर नोटबुक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। तो क्या होएगा, 36/48। सी हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर 9 चाहिए। अब आपको चेक करना होगा टेबल में कि 36 किस नंबर से डिवाइड होने पर हमें 9 देता है, तो दैट इज 4, बिकॉज वी नो 4 × 9 = 36, सो वी विल डिवाइड बाय 4 एज वेल एज न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से डिवाइड करना होगा, ओके। सो 4 से हमने डिवाइड किया 36 को, सो वी विल गेट 4 × 9 = 36 एंड 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, सो इट इज 9/12। नाउ चेक फॉर बी पार्ट, सो हमने क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 4। अब की बार हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 4 चाहिए। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48,
होना क्या चाहिए भाई अबकी बार? अबकी बार हमने डिनोमिनेटर में 48 चाहिए, सो कैन यू चेक 48 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें डिनोमिनेटर में कितना मिले? 4 मिले, सो दैट इज नंबर 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है ना अप टू 25 तो यू कांट एबल टू डू दैट। ट्राई टू लर्न टेबल अप टू 25। अब आप बड़े हो गए, नाउ यू आर ग्रोन अप, यू शुड लर्न टेबल अप टू 25। सो 12 से आप डिनोमिनेटर एंड 12 से न्यूमरेटर में आप डिवाइड करेंगे। सो 12 3 36 एंड 12 4 48। ठीक है, तो यहाँ हमें डिनोमिनेटर मिल गया 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इन फ्रैक्शंस को हमने चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। जस्ट वेट एवरीवन, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट आस्क योर क्वेरीज। सो चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, चेक करना है। तो 5/9 को तो हमने कुछ नहीं कहना है, लेकिन 30/54 को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। सो 30/54, ऐसा कोई नंबर है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हो? यस, इट इज 6। यू कैन डिवाइड बाय 6, सो वी विल गेट फॉर इट 6 5 30 एंड 6 9 54। यस, ये क्या है, दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। यस, फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। नाउ चेक फॉर दिस, वी हैव 3/10 एज इट इज। नाउ 12/50, क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसको हम 12 को डिवाइड करें और न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाए? 3 मिल जाए, तभी तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। सो देयर इज अ नंबर दैट इज 4, 4 3 12, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 3/10 एंड 4 3 12। एंड क्या ये 4 से डिवाइड होएगा? नहीं होएगा। ठीक है, कोई और नंबर सोचिए जो 12 और 50 दोनों को डिवाइड कर रहा हो। क्या कोई ऐसा नंबर है? 2। और कोई नंबर? 2 सिर्फ। ओके, तो उस केस में देखो, अगर 2 से हम करते हैं इस नंबर को डिवाइड, 2 से अगर हमने किया इस तरीके से, अगर डिवाइड किया तो 2 6 12 एंड 2 2 4 2 5 10। ठीक है, अब 6 और 25 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम इसको डिवाइड कर सके। सो क्या होएगा इसका आंसर? नो, क्या फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। नो, फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। नाउ चेक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 7/13 एंड 5/11। जस्ट फाइंड द एलसीएम फर्स्ट। भाई इक्विवेलेंट अगर हमने चेक करना है तो इनके डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो 13 और 11 का एलसीएम आप निकालेंगे, तो 13 × 11 आप करेंगे, 11 3 33, कैरी ओवर 3 एंड 11 1 11 + 3 14, सो इट इज 143। तो हमने यहाँ 143 बनाना है। तो 7 × 11/13 × 11, ठीक है, एंड 5/11 × 13 एंड × 13, सो वी विल गेट 77/143 एंड यहां से मिलेगा 65/143। सो दे आर दे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो आंसर इज नो, फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इन सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो, अब यहाँ पे एक मेथड तो ये है कि हम इसको डायरेक्टली डिवीजन परफॉर्म कर दें, है ना, कि एक नंबर कॉमन ऐसा ढूंढ ले, फाइंड कर ले, जिससे हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करें और फाइंड कर दें। एंड एक अभी और थोड़ा सा इजी मेथड मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ इसके लिए, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। अब देखो 48/60,
अब हो सकता है सारे बच्चे इतने अच्छे से टेबल नहीं लर्न हो, तो ऐसे में क्या होगा, क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन गलत ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, 48 के एंड 60 के फैक्टर्स करेंगे अलग अलग। जस्ट डू इन योर नोटबुक वेरी फास्ट। सो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। सेम है यो, जस्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6 एंड 0, 2 1 जा 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15। जस्ट राइट द फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर, ठीक है, एंड फैक्टर्स ऑफ 16 डिनोमिनेटर। सो फैक्टर्स ऑफ 48 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, एंड इन डिनोमिनेटर वी विल राइट 2 बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो सी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो जो फैक्टर्स कट सकते हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। सो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये एंड इस वाले से ये हो जाएगा। अब जो फैक्टर बचे हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन करके आप रख दीजिए। सो 2 2 जा 4 एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास है क्या, 5। सो 4 अपॉन 5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48 अपॉन 60। अब चेक भी करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे है, सो चेक कर लीजिए क्या 4 एंड 5 के बीच में कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, एक्सेप्ट 1 के अलावा। तो आप देख सकते हो 4 एंड 5 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 के अलावा हो, ठीक है, जो इनको डिवाइड कर सकता हो। सेम फॉर सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट के लिए, जस्ट डू द फैक्टर्स ऑफ 150 एंड 60 के ऑलरेडी हो रखे हैं, सो आई विल नॉट डू इट अगेन। जस्ट डू फैक्टर्स फॉर 150, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 3 2 जा 6 5 जा 15 एंड 5 5 जा 25। जस्ट राइट द फैक्टर्स इन फ्रंट ऑफ 150। 150 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड फैक्टर्स ऑफ 60 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ जो फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। नाउ रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड राइट हियर। सो यहाँ पर ऊपर से हमें सिर्फ 5 मिलेगा न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर से वी विल गेट ओनली 2। सो चेक अगेन 5 एंड 2 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं है, बस क्या है, ओनली 1 1 1 इज द फैक्टर दैट इज कॉमन इन 5 एंड 2। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ चेक फॉर 84 एंड 98, सर्स टू द फैक्टर ऑफ दीज। सो फैक्टर्स ऑफ 84, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21, एंड टू द फैक्टर्स ऑफ 98। सो दीज आर 2 4 जा 8 2 9 जा 18 एंड 7 7 जा 49। जस्ट राइट द फैक्टर्स ऑफ 84 इन फ्रंट ऑफ दैट। फैक्टर्स ऑफ 84 आर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड फैक्टर्स ऑफ 98 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब जो फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कट कर लेते हैं, यहां से 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जस्ट मल्टीप्लाई डाउन एंड राइट। सो 2 3 जा 6 एंड ओनली 7 वी हैव इन डिनोमिनेटर, जस्ट राइट 7 एंड चेक 6 और 7 में कितने फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, ओनली 1, ठीक है, 1 इज एज द कॉमन फैक्टर। नाउ चेक फॉर 12 एंड 52, जस्ट डू द फैक्टर्स ऑफ 12, 2 6 जा 12 2 3 जा 6। नाउ डू द फैक्टर्स ऑफ 52, सो 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 6, सो 13 1 जा 13 इन द लास्ट। सो फैक्टर्स ऑफ 12 राइट हियर ओनली, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड फैक्टर्स ऑफ 52 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, आगे इसको हमने और नहीं किया, 13 तक ही रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट कट द फैक्टर्स, ठीक है, जो कि इसमें कैंसिल हो सकते हैं उनको कट कर दिए, एंड न्यूमरेटर वी हैव ओनली 3,
and denominator we have 13. So this is the simplest form of 12 upon 52. Now 7 upon 28. So देखो students, 7 को तो हम आगे factorize नहीं कर सकते, but 28 को हम factors कर सकते हैं. So just 28. 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 7 जा 14. Just write the factor of this. So 7 as it is and factor of 28 are 2 multiply by 2 multiply by 7. Just cancel the term 7 and 7. So we will get from here 1 upon 4. ठीक है? Is Ramesh has 20 pencils. Sheelu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. After four months, Ramesh used up 10 pencils. Sheelu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. Okay, what fraction did each use up? Check if each used up an equal fraction of his her pencil. So let's understand the question first. Question है कि जो रमेश है उसके पास कितनी pencil है? 20 pencils. So शीलू के पास है 50 pencils. जमाल के पास है 80 pencils. And 4 months. 4 months के बाद क्या होएगा? कि जो रमेश था उसके पास रह गई 10 pencils. शीलू के पास हो गई 25 pencils. जमाल के पास कितना? Used up 40 pencils. उसने 40 pencils को use कर लिया है. तो अब हमें fraction बताना है किसका? Fraction did each used up कि कितना कितना किसने use किया है pencil को, उसका fraction बताना है. And उसके बाद एक question और है इसमें कि क्या सभी ने equal fraction use किया है? ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. जस्ट ड्रॉ द टेबल, राइट द नेम ऑफ द जो भी ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं, कौन कौन है? रमेश, शीलू एंड इन द लास्ट वी हैव जमाल. ओके, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, लिसन इट वेरी केयरफुली. In the last, you can ask your queries. Till then, just listen. Total number of pencils. And number of used pencil. And here we have fraction. ठीक है, so Ramesh has number of pencils 20, Sheelu had 50 and Jamal had 80 pencils. Now after 4 months, ये कब है? After 4 months. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils. ठीक है, and Sheelu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. ठीक है, अब क्या करना है? पहला काम हमने fractions find करना है. Okay, so fraction क्या होगा? Number of used pencil. Number of used pencils कितनी है? 10. और total number pencils was 20. ठीक है, ये तो किसके लिए हो गई? रमेश के लिए. नाउ फाइंड फॉर शीलू. शीलू के लिए क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 50. दिस इज 25 अपॉन 50 एंड इन द लास्ट फॉर जमाल वी हैव 40 अपॉन 80. नाउ कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करिए. सो 0 से 0 कट, वी हैव 1/2. ठीक है, एंड यहां पर 25 अपॉन 50. सो 25 1 जा 25, 2 जा 50, we have 1/2 and 0 से 0 cut, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, it is 1/2. ठीक है, तो सभी का fraction कितना आया? 1/2. ठीक है, so it is true. क्या? कि each used up, या each student कर लीजिए, each student used
आप इक्वल फ्रैक्शंस, इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ हिज हर पेंसिल, नाउ आस्क योर क्वेरीज. नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट टू मोर फॉर ईच. करना क्या है कि इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमें मैच करना है. फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इधर में कुछ और फ्रैक्शंस दिए गए हैं. इनको सॉल्व करना है और देखना है कि इनमें से कौन से फ्रैक्शन से ये मैच हो रहा है. ठीक है, इधर में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें गिवन है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. 250/400. सो स्टूडेंट देखो, 0 से 0 कट हो जाएगा. ठीक है, देन वी विल गेट 25/40. अब उसने हमें ये बोला है कि टू मोर फॉर ईच, इसके अलावा दो और हमने एक्सट्रेंस में देने हैं. ठीक है, टू फ्रैक्शंस और हमने यहाँ पर राइट करने हैं. सो एक हो गया 25/40. अब 25/40 को भी अगर आप डिवाइड कर लें कितने से, 5 से. ठीक है, सो वी विल गेट 5 × 5 = 25 and 5 = 40, 5/8. तो आप चेक करिए 5/8 कहाँ है, दैट इज डी पार्ट. तो क्या हो जाएगा इसके लिए, फर्स्ट, इट विल मैच फ्रॉम फर्स्ट. ओके, नाउ चेक फॉर 180/200. 0 से 0 कट, वी विल गेट 18/20. एक फ्रैक्शन हो जाएगा एंड 18/20 ऐसे कौन सा नंबर जिससे डिवाइड हो रहा हो, दैट इज 2. ठीक है, तो वी विल गेट फ्रॉम हियर 2 × 9 = 18 एंड 2 × 10 = 20. सो 9/10, ये कौन सा पार्ट है, दैट इज सेकेंड, दिस इज फॉर सेकेंड. ठीक है, नाउ चेक फॉर थर्ड पार्ट. 0 से 0 कट हो जाएगा, वी विल गेट 66/99 एंड अभी एक फ्रैक्शन और फाइंड करना है. सो 11 से ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही है, सो 11 × 6 = 66 एंड 11 × 9 = 99. ओके, तो 6/9, अभी ये और डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो आप कर सकते हैं 3 से, इट इज डिवाइडेड बाय 3, सो वी विल गेट 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9. सो 2/9 इज देयर. ओके सॉरी, 2 × 3 = 9, सो इट इज 2/3. ये कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन. नाउ 180/360, सो 0 से 0 कट, यहाँ पे रहेगा 18/36, सो वी कैन डिवाइड बाय 2. ठीक है, 4 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, यहाँ तो बहुत सारे नंबर्स हैं. सो इट इज 2 × 9 = 18 एंड 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16. ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने और अभी सिंप्लीफाई करना है. सो वो व्हाट कैन वी डू, वी कैन डिवाइड बाय 9. सो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18. सो दिस इज 1/2. ये कौन सा पार्ट है, सी, तो सी का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ. वैसे तो लास्ट वाला फिफ्थ है, यहां पर भी एक ही पार्ट बचा है अभी, बट वी नीड टू सॉल्व इट. सो 0 से 0 कट, वी विल हैव 22/55. नाउ सॉल्व 22/55 ऑल्सो, वी कैन डिवाइड बाय 11, सो वी विल गेट 11 × 2 = 22 एंड 11 × 5 = 25, दैट इज इन गिवन इन बी पार्ट. ठीक है, सो पार्ट ऑफ बी इज फिफ्थ. ठीक है, सो दिस इज द मैचिंग ऑफ गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस.